हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कल यानी 31 जुलाई के लिए ऐसे 4 स्टॉक्स जिसमें हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। अभी के लिए यूएस मार्केट हमें काफी नेगेटिव दिखाई देता है, जिसके बाद हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का एक गिरावट को देख पा रहे हैं। इवन हमें इंडियन ADRs के केस में भी एक गिरावट देखने को मिल जाता है। तो आप अकॉर्डिंगली इन सभी स्टॉक्स में अपने सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम अपने स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है, इसमें आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, क्योंकि इसने अपने Q1 रिजल्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट 5% का एक डीग्रोथ को पोस्ट किया है। अभी के लिए इसके ये लेवल्स हमें काफी बियरिश ट्रेंड की ओर इशारा करते हैं, और इवन हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर से भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HDFC लिमिटेड के बारे में, जिसमें आज हमें Q1 रिजल्ट के बाद ऑलमोस्ट 3.85% का एक डाउनसाइड देखने को मिल जाता है। तो अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक में भी एक सेलिंग प्रेशर को हम देख सकते हैं, और इसके फ्यूचर लेवल से भी हमें यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई देता है। तो हम कल के लिए इस स्टॉक में पहला जो टारगेट है उसे 1800 पे सेट कर सकते हैं, और अगर 1800 का जो लेवल है वो अगर ब्रीच होता है तो हमें 1780 के लेवल पे अगला टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। दूसरे स्टॉक में हम सिमिलरली एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ को देख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे हमें कल भी एक बियरिश ट्रेंड दिखाई दे सकता है, क्योंकि कल जो मार्केट है वो हमें वीक ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस वजह से इस स्टॉक में भी हमें एक जबरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। अभी के लिए इसके ट्रेंड इंडिकेटर में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल आपको इस स्टॉक में एटलीस्ट 5% तक एक डाउनसाइड फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनप्पुरम के बारे में, जिसमें आज हमें ऑलमोस्ट 9.6% का एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक में हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, जिसे यहाँ पे इसके फ्यूचर लेवल से कंफर्म किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे अगस्त के एक्सपायरी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपना सेल ट्रेड कल प्लान कर सकते हैं। तो कल आपको इसमें 160 तक के टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं। तो आप इसमें अपना स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली प्लेस करते हुए इसमें अपना सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे और मार्केट रिलेटेड अपडेटेड जानकारी चैनल की ओर से पाना चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने तीसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तीसरे स्टॉक में भी आज हम एक शार्प सेल ऑफ को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि ये अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास करेंटली ट्रेड कर रहा है। इन केस कल ये इसके नीचे ओपन होता है तो हमें इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल्स है वो काफी वीक दिखाई देता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे इसके ट्रेंड इंडिकेटर से भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, जिसमें करेंटली आज हमें मोर देन 3.4% का एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक में एक मार्जिनल बाइंग प्रेशर को देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके फ्यूचर लेवल्स में हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि बायर साइड के मुकाबले हमें सेलर साइड में मोर देन 12 टाइम्स यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल हम इस स्टॉक में अराउंड 255 और 250 तक के दो टारगेट्स को लेके इसमें अपना सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आखिरी स्टॉक में हम आज एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग को देख सकते हैं, क्योंकि यह स्टॉक काफी वीक दिखाई रहा है। तो इस स्टॉक में भी हमें कल वीक मार्केट में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। यह स्टॉक इंट्राडे के लिए काफी बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा वोलेटाइल होने के साथ साथ इसमें हमें काफी अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिलता है। तो अभी के लिए इसके ट्रेंड इंडिकेटर्स में हमें एक बियरिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल हमें इनिशियल ट्रेडिंग आवर में इसमें एटलीस्ट 1-2% का एक डिक्लाइन दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में, जिसमें आज हमें अराउंड 6% तक एक शार्प फॉल देखने को मिला, और अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक में भी हम एक बियरिश ट्रेंड को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है। अगर हम इसे इसके फ्यूचर लेवल से कंफर्म करना चाहें तो यहाँ पे आपको अगस्त के एक्सपायरी के लिए इसमें एक शार्प सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा। तो अभी के लिए कल हम इस स्टॉक में भी अपना सेल ट्रेड को प्लान कर सकते हैं।
तो यहां पे एक बात को ध्यान में रखना है कि अगर कल ये 680 के नीचे सस्टेन करता है तो हमें 670 और इवन 660 तक के टारगेट्स इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो आप इस स्टॉक में अपना सेल ट्रेड को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन केस अगर आप इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड प्लेलिस्ट भी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उन प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल 11,200 पे क्लोज होने के बाद आज इसमें हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, जिसके बाद हम इनिशियल ट्रेडिंग आवर में इसमें एक मार्जिनल अपसाइड को देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद देखे गए कंटिन्यूअस सेल ऑफ की वजह से इसने आज अपने 9 डे के ईएमए लेवल को तोड़ा है, जिसे हम यहाँ पे डेली कैंडल पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ देख पा रहे हैं। तो अभी के लिए यूएस मार्केट में जो डिक्लाइन देखने को मिला है वो कल हमें एशियन मार्केट में भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हमें मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी में कल एक डाउनसाइड फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इसके आरएसएल में हम एक मेजर डिक्लाइन को देख सकते हैं, जो कि कल भी हमें और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को अगर हम यहाँ पे चेकआउट करें तो अभी के लिए 11,100 के ऊपर हमें एक पुट राइटिंग देखने को मिलेगा, जिस लेवल पे करंट या मोर देन 9.93 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप को देख सकते हैं। इन केस अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो अगला जो सपोर्ट लेवल है वो हमें 11,000 के ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम मोर देन 8 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं और हमें इस लेवल पे मोर देन 15,70,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 11,000 के लेवल्स को कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद कॉल साइड में हमें 11,000 और 11,100 के ऊपर इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट में एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग देखने को मिल जाता है, जिससे एक बात साफ है कि अगर कल निफ्टी 11,100 के लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो हमें इसमें एक कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है, अदरवाइज ये हमें 11,000 के लेवल्स की ओर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इन केस ये 11,100 के लेवल्स को सस्टेन करता है तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो हमें 11,200 के आसपास यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज हम इस लेवल पे मोर देन 8,70,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्डअप को ऐड होता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं और इस लेवल पे हमें मोर देन 12,80,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पे एक बिल्डअप भी देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आज हमें निफ्टी की तरह ही एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे हम कल के क्लोजिंग के मुकाबले आज एक गैप अप को देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद इसका जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे की ओर ट्रेड किया और इसने अपने सभी ईएमए लेवल्स को आज तोड़ते हुए इसके नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, जिसे इसके डेली कैंडल पे यहाँ पे देखा जा सकता है। तभी के लिए इसमें ये गिरावट कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट काफी ज्यादा वीक दिखाई देता है और अभी के लिए इसके आरएसएल लेवल से भी हमें एक बियरिश ट्रेंड के बारे में पता चलता है, तो हम कल इसमें अपना जो सेल ऑर्डर है उसे यहाँ पे प्लेस करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए इसके नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन डेटा से हमें एक सेलिंग प्रेशर के बारे में पता चलता है, जिसे हम यहाँ पे 21,500 के लेवल्स पे पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में बढ़ोतरी के जरिए देख पा रहे हैं। इस लेवल पे करंटली मोर देन 1.91 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाई देता है, तो हम कल ओपनिंग के वक्त इसी लेवल को एज ए इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इन केस अगर ये लेवल टूटता है तो अगला जो सपोर्ट है वो हमें 21,000 के लेवल्स पे दिखाई दे सकता है। कॉल साइड में हम 21,500 पे यहाँ पे एक कॉल राइटिंग को देख सकते हैं, तो इन केस ये 21,500 के ऊपर ओपन होता है तो हमें इसमें एक कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है, अदरवाइज इसमें ये जो बियरिश ट्रेंड है वो कल हमें और भी ज्यादा बड़ा होता हुआ यानी कि इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे सकता है। इन केस ये कंसोलिडेट होता है तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो हमें 22,000 के ऊपर दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस लेवल पे एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हम देख पा रहे हैं और इस लेवल पे मोर देन 3.49 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को भी देखा जा सकता है। तो हम कल बैंक निफ्टी में मोस्टली बियरिश ट्रेड साइड में अपना जो ट्रेड है उसे प्लान कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। इन केस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।